गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक डरावना मंदिर के बारे में एक कहानी लिखा हूं और उस कहानी का टाइटल है डरावना भूतिया मंदिर। सो इस कहानी के बारे में आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा पढ़ के, और आप लोग इस कहानी को गौर से सुनना, और जिसको भी इस वीडियो से डर लगे प्लीज इस वीडियो को ना देखे, वो अभी ही वीडियो को कट कर दे, बैक कर दे, इस वीडियो को ना देखे। और जिसको डर नहीं लग रहा इस वीडियो को आप लोग गौर से देखें और गौर से इस कहानी को आप लोग जरूर सुने, और जिसको डर लग रहा है वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस कहानी को, सो आप लोग लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दें। गाइस, मैं फोन का नोट्स में एक कहानी को तैयार किया हूँ और उस कहानी को मैं फोटो कॉपी करके प्रिंट आउट करके निकाल लिया हूँ, और मैं इससे ये 3 पेज का कहानी है। सो मेरे पास एक ही फोन है, इसीलिए मैं फोन से तो पढ़ नहीं सकता हूँ, और बहुत बड़ा कहानी है तो लिखने का मन नहीं किया, तो 20 रुपये लगा के इस वीडियो में 20 रुपये लगा के मैं इस कहानी का फोटो कॉपी करवा के लाया। तो इस कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा, भूतिया मंदिर, डरावना भूतिया मंदिर इस कहानी का टाइटल है, जो मैं ये कहानी को खुद से लिखा हूँ, खुद से तैयार किया हूँ। सो आप लोग प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गौर से सुनिएगा, कई साल पहले की बात है, एक गांव में पुराना मंदिर था। कई साल की बात है, बहुत पुराना मंदिर था एक गांव में, जिसे लोग डरावना भूतिया मंदिर से जाना जाता था। लोग उस मंदिर को भूतिया मंदिर कहते थे। मंदिर की कहानी, रिया नाम की एक लड़की जो उस मंदिर के आसपास रात में टहल रही थी, मतलब 12-1 बजे रात में रिया नाम की लड़की उस मंदिर के आसपास टहल रही थी, और उन्हें 12-1 बजे रात में उस मंदिर के आसपास उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती, तरह तरह की आवाजें आती थी उस मंदिर से। वो सुना करती थी तरह तरह की आवाजें, मंदिर के रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, और कई लोगों ने वहां भूत देखा था, और कई लोगों का कहना था कि मैं उस मंदिर के आसपास भूत देखा हूँ। तो कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा। एक दिन उसने एक दिन उसने निर्णय किया कि वह मंदिर जाकर देखेगी रात में वहाँ पे क्या होता है, आवाजें कहाँ से आती है रात में। रात के समय जब सब सो रहे थे, वो रिया नाम की लड़की अकेले मंदिर की ओर बढ़ने लगी। जब सब रात के समय सो रहे थे तो रिया अकेले ही मंदिर की ओर चली गई। मंदिर का दरवाजा खोला, इस तरह से आवाज हुआ, गौर से सुनो आप लोग इस तरह से। और दरवाजा धीरे धीरे खुलते दिखाई दी। अब बताओ, ये दरवाजा रिया ने नहीं खोला, रिया ने इस दरवाजा को नहीं खोली। ये दरवाजा, जैसे ही रिया मंदिर के दरवाजा के पास पहुंची तो वो दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो गया। इसी तरह मंदिर की भीतरी दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे, जिनमें दिख रहे थे भयंकर रूपों के भूत। जैसे उन्होंने मंदिर में प्रवेश की तो उनको दीवार पे अद्भुत चित्र थे, और उस चित्र में दिख रहे थे भयंकर रूपों का भूत।
मतलब उस चित्र में भूत दिख रहे थे जो दीवार पे चित्र बना हुआ था। धीरे धीरे रिया की आवाज कानों में गूंजने लगी। मंदिर में जैसे ही प्रवेश की, चित्र देखने के बाद रिया के कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी थी और उसने एहसास किया कि कुछ गलत होने जा रहा है और उसको ऐसा फील हुआ, महसूस की कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति देखी। उनके सामने में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी जिसका मुख उसकी ओर बुरा था। जैसे ही उसने मूर्ति की ओर देखा, मूर्ति की आंखें खुल गई। और वह बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? यानी मूर्ति की जब आंख खुली तो उन्होंने रिया से कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रिया डर के मारे चिल्लाई, पर मूर्ति ने उसे अपनी कथा सुनाई कि वह कैसे एक राजा की पुत्री थी जिन्होंने भगवान की इच्छा से जीवन भर उसकी रक्षा की थी। मूर्ति ने अपनी पूरा सच्चाई बताई कैसे राजा की पुत्री उस मूर्ति जिन्होंने भगवान का इच्छा जीवन भर उसका साथ दिया, रक्षा की थी। भयानक भूतों की भीड़ उस राजा के राज पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कौन? वो मूर्ति। वो अपने बारे में बता रही है, तो गौर से सुनिएगा आप। और उन्होंने उसकी कथा से रिया को सीख दिया कि दुख और भय को पार करने के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। रिया को उस मूर्ति ने ये सीख दिया कि दुख और भय को पार करने के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी नहीं। रिया डर के मारे थरथरा रही थी, लेकिन उसका डर धीरे धीरे कम हो रही थी और उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। उस मूर्ति ने उसका जो आत्मविश्वास था वो उनको साहस दिलाई। उसके डर का सामना करने के बाद मंदिर के आसपास की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गई। रिया को जो मंदिर में प्रवेश करते ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, वो धीरे धीरे सारी आवाजें गायब हो गई, साइलेंट हो गया। रिया ने उस मंदिर के सच्चाई को स्वीकार किया और उसने इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि हमें अंदर की शक्तियों को पहचान कर हम अपने भय को मात दे सके। मतलब आपका जो शक्ति है, आप अपना शक्ति का प्रयोग करें, किसी से ना डरे और किसी भी चीज का डट कर सामना करें आप। इस तरह मंदिर वाकई भूतिया था। मंदिर तो भूतिया था ही, लेकिन उसकी कथा ने रिया को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई कि आत्मविश्वास और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उस मूर्ति ने रिया को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई कि आत्मविश्वास और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सो गाइस, इस कहानी से आप लोगों को क्या क्या सीख मिला, आप लोग कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं इस कहानी से आप लोग क्या सीखे। सो थैंक यू सो मच। अभी रात के 2 बज रहे हैं।
और मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और आप लोग इस वीडियोस को देखते नहीं हो। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को, मेरा जितना भी वीडियोस आप लोग के YouTube पे आता है, सो उस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। मेरा सपोर्ट होगा, मतलब आप लोग वीडियो को देखोगे तो यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच करना, 365 दिन में 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा करना और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। सो गाइस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, सारा वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड कमेंट, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हो, सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रात भर जग के आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, सोने का टाइम नहीं मिलता, फिर भी आप लोगों के लिए एक भूतिया कहानी लेके आता हूँ। मैं भी अकेले रहता हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कहानी लिखता हूँ और कहानी बताता हूँ। गाइस मेरे को भी डर लगता है, जैसे आपको डर लगता है वैसे मेरे को भी डर लगता है, फिर भी मैं आप लोगों को कहानी बना के दे रहा हूँ और आप लोग सुनते नहीं हो। सो प्लीज़ कहानी को आप लोग पूरा सुनना एंड प्लीज़ सपोर्ट करो और पूरा वीडियो को वॉच करो। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। रात के 2 बज रहे हैं और अब मेरे को एडिटिंग करते करते, वीडियो को एडिटिंग करते करते 3 बज जाएंगे। तो मैं 3 से 7 बजे तक सोता हूँ, फिर 8 बजे मेरा क्लास रहता है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।